मेरी YouTube की फर्स्ट इनकम आने वाली थी, लेकिन तुम साइड में हटो। तो ये देखो, ये रहा मेरा ट्राइपॉड एंड कुछ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ, होपफुली आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आई एम सॉरी वो पीछे से ये भाऊ भाऊ मचा रही है, तो इसलिए आवाज नहीं आई होगी। मैं दोबारा से आप लोगों का वेलकम कर देती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छी हूँ, होपफुली आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आई नो कि मैं थोड़ी पागल और सनकी टाइप हूँ, लेकिन कोई नहीं, कर लो यार मैनेज। इतनी प्यारी सी दोस्त मिली आप लोग। कुछ भी मेरी शक्ल जो है बंदर के पिछवाड़ी जैसी हो रही है। आई नो, क्योंकि मैं अभी वीडियोस वगैरह शूट करके आई हूँ, रील्स एंड शॉर्ट शूट करे थे अभी मैंने वहाँ धूप में। वो देखो वहाँ पे वो आई इधर करनी है। हाँ, वो मेरी जो ट्राईपॉड है ना, वो ऐसे उसकी टांगे तोड़ दी इस बदतमीज कॉटन ने, तो इसलिए मेरे को उसको थोड़ा एडजस्ट करके ऐसे रखना पड़ता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने उस पर रखा हुआ है। बाकी मैं धूप में शूट कर रही थी ना वीडियोज़, तो इसलिए मेरी शक्ल की हालत ऐसी हो रही है। और हाँ, मेरी आइज़ को देख करके बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना कि ये कुछ गंदगी है। ये है, लगाया है मैंने हाइलाइटर, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अभी मम्मी भी बोल रही मुझसे कि ये क्या हो गया तेरी आंखों में, ये क्या हो रहा है, ये कैसा दिख रहा है। मैंने कहा ये हाइलाइटर लगाया मम्मी मैंने, वो बोल रही कि तेरी आंखों में से गंदगी आ रही है। ये वो, मैंने कहा इतनी और गंदगी नेवर। हद है। ओह, कितने प्यारे लग रहे हैं कबूतर, कितने सारे उड़ के गए अभी ना, ये एक छत से उड़े, इतने प्यारे लग रहे थे। वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। Oh my God! यार मुझे पक्षी इतने पसंद है यार, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को ये बर्ड्स। अभी ना शायद ये जो पिंक कलर के घर वाली ये छत, इसमें ना गेहूं वगैरह डाल रखे होंगे धुल करके, तो शायद इसलिए इतने सारे कबूतर लग रहे हैं। और बाकी सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, अभी मैं छत पे आई तो मैंने सोचा कि शूट कर लूँ। ये देखो, दोनों की दोनों बदतमीज़ है यहाँ पे। कपड़े वपड़े धो करके नहा धो करके मैं ऊपर ही आ गई थी वीडियोस वगैरह शूट करने। मम्मी भी आ रही हैं, देखो मम्मी का स्वागत करो और बोलो मेरे साथ वेलकम। वुमेन। मम्मी भी आ गई, दिख नहीं रही हो अभी, आ तो जाओ। मम्मी हाथ हिला रही हैं जीने पैसे ही, अब दिखी हैं तो मैं दिखाती क्या हूँ। मैंने ना कल वीडियोस वगैरह शूट करी कुछ, तो उनको उन टेक्स को मैं इसमें लगा दूँगी, क्योंकि मेरे को लगता नहीं आज कुछ स्पेशल होने वाला है। वैसे ना आज मतलब स्पेशल ये था कि आज 21st है और आज मेरी YouTube की फ़र्स्ट इनकम आने वाली थी, लेकिन अभी आई नहीं है, क्योंकि 21st से 26 के मिड में आती है, तो पता नहीं अब कौन सी डेट को आएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी पेमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए, जो मेरे मेहनत के पैसे होंगे। मुझे नहीं पता कितने आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन जैसे भी आएँ, जब भी आएँ, मेरे को जल्दी से आने हैं और मेरे को चाहिए वो। मम्मी, तुमको कभी लगता था कि मैं इस तरह से पैसे कमा पाऊँगी? ना, धन्यवाद बोल रही हूँ मम्मी। मेरे घर में किसी को नहीं लगता था कि इस तरह से मतलब ऑनलाइन ऐसे करके हम लोग पैसे भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने घर वालों को गलत प्रूफ किया। पहले ये लोग मुझे सपोर्ट भी नहीं करते थे, मतलब मम्मी तो इतना कुछ नहीं कहती थी, बड़ा भाई ऐसे सपोर्ट नहीं करता था, बाकी फैमिली में सब करते थे। पापा को तो अभी पता भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ जब तक मेरी पहले इनकम नहीं आ जाती है तब तक मैं बताती नहीं पापा को, इसलिए मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। जब मेरे हाथ में आएंगे पैसे तब मैं पापा को बोलूँगी कि पापा, अब आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी है अब आपके साथ सहारा देने के लिए आपको, तो बस उसका वेट कर रही हूँ मैं। जल्दी से आए तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं आपको ना अपना अरेंजमेंट दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से रील्स वगैरह शूट करती हूँ। इस बदतमीज़ ने मेरा ट्राईपॉड तोड़ दिया था, वैसे भी वो सस्ता वाला था और उस टाइम मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे सस्ता वाला मंगवा लिया था। अभी भी मैं वैसे गरीब हूँ, लेकिन अब शायद पैसा ही पैसा होगा। कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई नहीं, अपने खर्चे लायक कमा लूँगी, वो काफ़ी है। बाकी घर वालों का थोड़ा सहारा बन जाऊंगी, वो काफ़ी है। अब मैं चलती हूँ वहाँ पे और दिखाती हूँ आपको अपनी पूरी ड्रेस भी, कि मैंने एक्चुअल में पहना क्या हुआ है। और प्लीज़ मुझे जल्दी से रेट करके बताना इस ड्रेस को देखते ही कि मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, ना खा रही, गई ना बाहर, बाहर से आई अभी।
उश ये रही उश उस उस तनुष छोटी वाली ततैया ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले व्लॉग में इसकी आरती पे मिलूंगी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखो मेरे अंदर है 150 किलो वजन और मैं कुछ भी इसके ऊपर बैठी हूँ। ये बस 5 किलो की है। क्या बोला तूने? ओ क्या बात है। इसके ना पढ़ाई कर करके हो गया है कमर में दर्द, तो इसलिए ये बेचारी ऐसे परेशान है थोड़ी। यहाँ ना ये सब लोग बोलते हैं नंदिनी लाइब्रेरी जाती है कि घर पे नहीं पढ़ा जाता तुमसे, घर पे नहीं पढ़ा जाता। ये देखो कितना अच्छा माहौल बन रहा है यार पढ़ाई का, इतना अच्छा माहौल, इतनी शांति, एकदम शांति। पीछे से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही किसी भी चीज़ की, ना किसी गाने की। गवार कहीं के हॉर्न बजाए जा रहे हैं। गाने देखो, गाने सुनो, खुद सुनो क्या माहौल है पढ़ाई का, वाह। ये रिलेटिव्स लोग बोलते हैं ना कि घर पे नहीं पढ़ा जाता, मतलब पापा भी बोलते हैं। ये देखो कितना अच्छा माहौल है पढ़ाई का, एकदम शांति। और बाहर वाले तो कम है कि ये देखो इसको। तो ये देखो ये रहा मेरा ट्राइपॉड, एंड इसका भी ना ये थोड़ा देखो टूट गया है ना, तो इसमें ना मैंने ऐसे ये बांधा हुआ है। ये देखो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये थोड़ा फ़ोन ऐसे उल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए ये मैंने बांधा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी ये स्टूल मैं ऊपर मंगा लेती हूँ, मम्मी या फिर भाई बहनों में से कोई लेकर के आता है तो स्टूल मंगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे डांस वाली रील्स शूट करती हूँ तो एक पैर पे करके ना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये स्टूल भी मंगवा लेती हूँ। और बाकी ये वॉकर से मैं छत पर आती हूँ। ये देखो मुकेश क्या कर रहा है कॉटन के साथ में। ये देखो कॉटन ना पाइप से ऐसे खेलती है पानी से, देखो ये देखो ये देखो। आज तो पता नहीं क्यों खेल नहीं रही, वरना ऐसे खेलती है, इसको बहुत मजा आता है। ये देखो काटती है पानी को, थोड़ी पतली वो बना ना, दो बना इसमें से दो। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ अब देख अब काटेगी। ये देखो ये देखो, मैंने आपको अपनी जगह तो दिखा दी कि मैं वीडियोस कहाँ शूट करती हूँ और किस तरह से करती हूँ, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ अपना आउटफिट जो कि है ये। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट। तुम साइड में हटो, यहाँ से चलो। कॉटन मुकेश मान जा। बाल मैंने ऐसे बांध लिए क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी ये जटाएं बन गई है मेरी भोलेनाथ जैसी, ढोलक जैसे कपड़े हैं मेरे। तो यही है मेरे कपड़े, और मेरे बालों की हालत देखो कैसी हो रही है। तो मैंने आपको अपना आउटफिट भी दिखा दिया और जगह भी दिखा दी, वीडियो कहाँ बनाती हूँ, बाल मेरे मुंह में घुसे जा रहे हैं बदतमीज। अब मैं नीचे जा रही हूँ, छत पे करने के लिए कुछ है नहीं, मैं नीचे जाती हूँ एंड देन चेंज करती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग चेंज करने के बाद, ओके। तो भाई मैं ऊपर से आ गई थी और मैंने चेंज भी कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मुंह वो भी धुल लिया है, जो बंदर जैसा हो रहा था मेरा मुंह वो साफ कर लिया है मैंने। और ट्यूशन की बच्ची भी आ गई तो उसको मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, और इतनी मतलब यार ये बहुत प्यारी है लेकिन ढीट है यार, सुनती नहीं है। एक बार में तो मैंने इसको थोड़ा डांट दिया है और थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिए हैं, तो रो रही है ये, ना करेगी काम, काट के खा जाऊँगी मैं उसी दिन की तरह, कर लेना तो काम। वही वाली बच्ची है जिसके साथ मैंने प्रैंक किया था, ये रही देखो। हेलो बोलो, यहाँ पे जल्दी बोलो, हेलो भूमिका जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हेलो बोल, हेलो बोल, बोल हेलो, बोल हेलो, बोल हेलो। बड़े हरामी हो बेटा, काम कर ले जल्दी। ये देखो ये इसको हाथों में ना ठंड, ना इसको हाथों में ठंड लग रही ना पैरों में, बस सर पे लग रही है, टोपा पहना हुआ है इसने। भूमिका ठंड है, ठंड बढ़ रही है, ठंड ये ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, ना करे काम।
हंस गई ये ऐसी है बेशरम, देख लो। तो भाई और नंदिनी भी आ गई है लाइब्रेरी से, क्योंकि 5 बज चुके हैं और इसकी हालत अभी थोड़ी ढीली हो रही है, ये बीमार है थोड़ी। कुछ फनी क्लिप्स मिलेंगे आपको देखने को, ज़रूर देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर अभी मेरी पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हो जा करके तो जल्दी से जा करके देख लीजिए। अभी मेरे को ये आई बटन वाई बटन तो ऐसे लगाना नहीं आता है, मेरे को एडिटिंग और ज़्यादा सीखनी पड़ेगी, तो वो सीख लेंगे आगे चल के। बाकी जितना अभी आप प्यार दे रहे हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना मेरे लिए। जैसे शॉर्ट्स वीडियोस को देते हो उसी तरह यहाँ लॉन्ग वीडियोस को भी दीजिए यार, और शेयर करिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोगों से। तो हम लोग मिलते हैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद। तब तो मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया है और आज से उसका ट्यूशन मतलब बंद भी कर दिया है सारे बच्चों का ही, अब तो छुट्टी कर दी है मैंने, क्योंकि मेरे को काम है कुछ आप लोगों के लिए। सरप्राइज है वो कि क्या काम है मुझको, मतलब पता चल जाएगा कुछ टाइम बाद। बाकी छुट्टी कर दिया मैंने सारे बच्चों की। अरे नंदिनी को देखो किस तरह मुझे डायन की नज़र से देख रही है। दो वक्त तो ऐसे गई जैसे कितनी मोटी बाजू हो इसकी और सब छुपा दिया हो इसने। तो मैंने छुट्टी कर दिया बच्चों की, अब से मैं कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। एक मंथ बाद फिर से स्टार्ट करूंगी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि कहाँ जाना है वो आपको पता चलता रहेगा। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स में बने रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मुझे नहीं। और यार जिस तरह आप मेरे शॉर्ट्स को सपोर्ट करो उसी तरह मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी सपोर्ट करो। और मैंने ऐसे मतलब फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को अब वीडियो शूट भी करनी मुझे वीडियो एडिट करनी है, उसके लिए बैटरी नहीं थी फ़ोन में ज़्यादा, क्योंकि वीडियोस वगैरह शूट करी थी ना मैंने ऊपर, तो उसकी वजह से बैटरी नहीं थी फ़ोन में। तो अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि आएगा मेरा परसों, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा व्लॉग आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें, बरसाते रहें मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, आगे करने के लिए कुछ है नहीं। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।